बकर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जिस तरह एक तरफ हरियाणा में एसआईटी गठित की गई जो लगातार नू पुलिस के साथ उन तमाम ठिकानों पर भी जा रही है जहां से वो तमाम चीज़ें खंगाली जा सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए अजय मिश्रा टेनी सर हैं, गृह राज्य मंत्री। अजय मिश्रा सर, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसमें अबू बकर ये साफ कहता हुआ दिख रहा है टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में कि अब तक 3,000 लोगों को कन्वर्ट कर चुका है, ये धर्म परिवर्तन का एक नेक्सस है। कई मौलानाओं का जिक्र किया जा रहा है जो मुजफ्फरनगर में है, जो कहीं बैठे हैं, एक जो पूरा किस तरह से धर्म परिवर्तन करते हैं वो तमाम चीज़ें स्टिंग में बताई गई हैं। हरियाणा में तो एसआईटी गठित की है, लेकिन आप लोग इस मुद्दे को कैसे उठाने वाले हैं? देखिए, कुछ लोग इस तरह की काम में लिप्त हैं जिनके बारे में जानकारी हुई पूर्व में, आपने जैसे बताया, और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कुछ लोग पकड़े गए थे जो इस तरह से काम कर रहे थे और लोग लालच से या कुछ ऐसे मजबूर लोग हैं जिनको इस तरह से करते थे। इसको सरकार ने संज्ञान में लिया था। हमने पिछले वर्ष में जो एनजीओ इस तरह के कार्यों में लिप्त थे उन पर लगाम लग सके, उन पर भी प्रतिबंध लगे। इसके लिए भी हमने एक कानून बनाया था कि जिस काम के लिए भी कोई फंडिंग होती है उसको करें। आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने जैसे बताया स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उसकी क्लिप आप हमको दीजिएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन को किसी भी तरह से जो लोभ लालच या दबाव में किया जाए उसको सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और सरकार भी प्रतिबद्ध है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन ना हो। और इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम करेंगे। जो एसआईटी वगैरह गठित हुई वो अच्छा है, आपने एक अच्छा स्टिंग किया है, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे आप क्लिप दीजिएगा, जो आवश्यक होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, एक और बात सर, अबू बकर को तो पुलिस अबू बकर तक पहुंच गए, अबू बकर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अबू बकर के कई सारे आका हैं जो ये तमाम चीज़ें अभी भी कर रहे हैं, यूपी से लेकर कश्मीर तक जो पूरा नेक्सस है, जो फंडिंग है, किस तरह से जो पॉलिटिकली सर इन लोगों का जो धर्म परिवर्तन का पूरा एजेंडा है पॉलिटिकली भी रिलेटेड है कि तमाम लोग हैं जो पॉलिटिकली फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड्स के माध्यम से इनको मदद मिलती है। यूपी में कितनी ज़रूरत है कि इस पर दबिश की जाए, नकल कसी जाए जिससे और धर्म परिवर्तन जबरन ना हो सके? ये चुनौतियाँ तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां पर इस तरह के हम लोगों ने काम भी किए हैं। ऐसे लोग जो थे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, उसके साथ साथ धर्मांतरण के खिलाफ एक जो जबरदस्ती धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ एक कानून भी बनाया गया है, और उसके अनुरूप जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, गृह मंत्रालय स्टिंग की जो क्लिप्स हैं उसको किस तरह से रखने वाला है, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत ने सर रिस्क उठाते हुए ये स्टिंग किया जिसमें बतौर महिला रिपोर्टर से लेकर के तमाम स्टिंग के और रिपोर्टर्स भी थे एसआईटी के, आप लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वास्तव में चैलेंजिंग है, और आपको और आपके चैनल सहित ऐसे सभी लोगों को जो इन काम में लगे हैं और जो देश की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हैं उनको मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह की कोई भी बात क्लिप सहित जो भी मिलेगी हम आपके साथ हैं, और जो भी हमारे देश के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। यानी गृह मंत्रालय इस पूरे इशू पे, धर्म परिवर्तन के इस पे पूरे संज्ञान लेकर उसको किस तरह से आगे प्रोसीड कर। तो टाइम्स नाउ नवभारत से सीडी मांगी है गृह राज्य मंत्री ने।